करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देश भर में पंचायतें अनेक प्रकार के नवाचार कर रही हैं, सेवा के काम कर रही हैं, विकास के नए आयामों को छू रही हैं। यह प्रोत्साहन और बढ़े इसलिए केंद्र सरकार प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल हितैषी पुरस्कार, जीपीडीपी पुरस्कार और ई पंचायत पुरस्कार देने का काम करती है। आज भी विभाग की वेबसाइट पर अनेक पुरस्कार घोषित किए जा रहे हैं और आप सब लोगों को वो प्राप्त होंगे। मैं इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का कामकाज संभाला है, तब से लगातार गांव, गरीब और किसान उनकी प्राथमिकता पर रहे हैं। गांव बढ़ेगा और देश बढ़ेगा, यह उनकी हमेशा प्रतिबद्धता रही है और इसी का परिणाम है कि 13वें वित्त के समय 5 साल के लिए 2,60,000 पंचायतों को जो राशि विकास के लिए दी जाती थी, वह राशि मात्र 65,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। लेकिन जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा 2,292 करोड़ रुपया पंचायतों को विकास के लिए देना चाहिए था, मोदी जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आपने देखा गत 5 वर्षों में तिगनी राशि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के वित्त आयोग का पैसा भी पंचायतों के पास आता है, लेकिन मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास हो और अन्य विकास के कार्यक्रम हो, वो भी सब पारदर्शिता के साथ पंचायतें पूरा करें, इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है। गांव सबल हों, गांव आगे बढ़ें, गांव सुविधा युक्त बने, फिर चाहे शौचालय का विषय हो, चाहे बिजली का विषय हो, चाहे ग्रामीण सड़क का विषय हो, चाहे हर गरीब आदमी को आवास देने का विषय हो, हर मामले में गांव को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कार्य किया गया है और आज भी प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि ग्राम पंचायतें ठीक प्रकार से पारदर्शिता के साथ काम करें। कोरोना वायरस संकट के दौर में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पंचायत क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों ने हेल्थ विभाग के कर्मचारियों के साथ, प्रशासन के साथ सहयोग करके बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह किया है और आज भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। देश में तमाम सारी सेवाएं बंद हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां चलें, इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने कृषि कार्य के लिए भी पूरी अनुमति दी हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उत्पन्नता हो, जल संरक्षण का काम हो, इसके लिए मनरेगा को, ग्रामीण सड़क को और प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है, जिससे गांव की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती रहें और गांव में रहने वाले किसी भी गरीब और किसान को कोई परेशानी ना हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2 कार्यक्रमों का शुभारंभ करने वाले हैं। पारदर्शिता के साथ हम काम कर सकें, इस दृष्टि से ई स्वराज पोर्टल का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और आप सबके ध्यान में है कि गांव में खेती की भूमि का तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन आबादी की जमीन पर जब हम लोग निवास करते हैं उसका रिकॉर्ड कोई हमारे पास नहीं होता है और वो संपत्ति भी होती है लेकिन लिखा पढ़ी नहीं होती, तो संपत्ति का हम कोई भी उपयोग रहने के अलावा और किसी हित में नहीं कर पाते हैं। तो आज स्वामित्व नामक एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद यह देश के इतिहास में एक अभिनव पहल होगी और इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान होगा। मैं इस अवसर पर आपको सबको
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करना चाहूंगा कि जमीनी स्तर पर विकास को गति प्रदान करने में पंचायती राज संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ग्रामीण भारत को पंचायतों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है। इस कार्य में सफलता वर्तमान समय में आधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग से मिल सकती है। इस दिशा में मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी को ई ग्राम स्वराज पोर्टल नामक एक को उस उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं। यह पोर्टल नियोजन अनुसरण वित्त प्रबंधन ऑडिट की सुविधा हम सब लोग को उपलब्ध कराएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ करें। डिजिटल भारत के निर्माण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल भुगतान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, सामान्य सेवा केंद्रों का विस्तार। इसी श्रृंखला में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मंत्रालय की यह कड़ी पंचायतों के परिवर्तन हेतु है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पंचायतों के संचालन के लिए उपयोगी एकीकृत टूल है, जिससे पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी सरलता से की जा सके। इस एप्लीकेशन से न केवल पंचायतों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा बल्कि योजना की व्यापकता बढ़ेगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी, जैसे सरपंच, पंचों और पंचायत सचिव का विवरण, वित्त विवरण, परिसंपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में की गई गतिविधियाँ, जनगणना 2011, मिशन अंत्योदय, सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन वर्क बेस्ड अकाउंटिंग पर केंद्रित है। इसके द्वारा GPDP में प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधियों में किए गए हर व्यय का विवरण उपलब्ध है। योजनाओं के विश्लेषण के लिए ब्लॉक और जिला स्तर के प्रतिनिधियों के पास उत्कृष्ट जानकारी सुलभ होगी। ई ग्राम स्वराज में डेटा एंट्री की संख्या को तर्क संगत बनाया गया है। इसमें उपयोगकर्ता के लिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और सरल नेविगेशन भी है। ई ग्राम स्वराज पंचायतों में की गई नियमित डेटा एंट्री के आधार पर गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी और कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाता है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के PFMS के साथ जुड़े होने के कारण सार्वजनिक व्यय की निगरानी भी वास्तविक समय के आधार पर की जा सकती है। पंचायत की जानकारी को सुविधाजनक और शीघ्र उपलब्ध करने के लिए उपयोगकर्ता नागरिक गूगल प्ले स्टोर से ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यह जानकारी आपकी उंगलियों पर होगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से चयनित पंचायत के सदस्यों की जानकारी, पंचायत की गतिविधियाँ, गतिविधि का नाम, योजना का नाम और राशि, चुने गए वित्तीय वर्ष के लिए आमदनी और खर्च संबंधी जानकारी मिल जाएगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों, गतिविधियों, योजना निर्माण, बजट आवंटन, योजनाओं की निगरानी इत्यादि की जा सकती है। सूचना तकनीक का प्रभावी उपयोग करना ही इस प्रणाली का उद्देश्य है। सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन देश की पंचायतों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन शुरू किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। राज्य सरकारों तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय ने ड्रोन आधारित नवीनतम सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग करते हुए स्वामित्व नामक नई केंद्रीय योजना की शुरुआत की है। आज हम सबका सौभाग्य है कि इसका शुभारंभ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि बटन दबाकर स्वामित्व नामक योजना का शुभारंभ करें। भारत की आत्मा गांव में बसती है, जहां 60% आबादी निवास करती है, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों के पास अपनी आवासीय संपत्ति के कागजात नहीं है। अंग्रेजों के समय से देश के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का बंदोबस्त होता रहा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में गांव की आबादी क्षेत्रों का सर्वे और मापन
संपत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। फलस्वरूप अधिकांश ग्रामीण घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं है। मालिकाना हक की गांव की इस जरूरत को पूरा करेगी भारत सरकार की स्वामित्व योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीक के द्वारा की जाएगी, जो सर्वेक्षण और मापन की नवीनतम तकनीक है। इस देशव्यापी पैमाइश में भारत का पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। सटीक मापन के आधार पर गांव की प्रत्येक घर का संपत्ति कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से यह क्रांतिकारी कदम संपत्ति के मालिक को सुगमता से मालिकाना हक प्राप्त करवाएगा। इस मालिकाना हक से गांवों के निवासी अपनी संपत्ति का वित्तीय उपयोग जैसे कि ऋण लेने में सक्षम होंगे और गांवों के आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे। इससे संपत्तियों का कर के दायरे में आना और पंचायतों द्वारा आसानी से कर संग्रह संभव हो पाएगा। इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पाएंगी। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गाँव का सटीक रिकॉर्ड और मानचित्र होगा, जिसका उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। हमारा देश बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्नत तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सशक्त पंचायतों से ही सशक्त भारत का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ये ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व नामक दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मैं मंत्रालय की ओर से और पंचायती राज संस्थाओं की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में आज आप सभी से बात करने वाले हैं और पंचायत प्रतिनिधियों से आपका वार्तालाप शुरू हो, उससे पूर्व मैं प्रार्थना करूंगा कि आप प्रारंभिक उद्बोधन हम सबको दें, जिसके मार्गदर्शन के प्रकाश में आगे का वार्तालाप प्रारंभ हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आप सभी साथियों को पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन जिन पंचों को और पंचायतों को सम्मानित किया गया है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और देश भर की पंचायतों से मेरा आग्रह है कि आप वेबसाइट पर जाकर के जिनका सम्मान हुआ है, जिनको अवार्ड मिला है, उसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। किस बात को लेकर के उनको ये सिद्धि मिली है, उनका गौरवगान करें। साथियों, ये कोरोना वैश्विक महामारी ने वाकई हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। पहले हम लोग किसी कार्यक्रम में रूबरू मिलते थे, आमने सामने मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन आज वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना पड़ रहा है। इस वक्त देश भर के लाखों सरपंच और पंचायत सदस्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज अनेक पंचायतों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार भी मिले हैं।
पुरस्कार विजेता सभी पंचायतों को, जनप्रतिनिधियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और उस गांव वालों को भी बधाई। साथियों, पंचायती राज दिवस गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का एक अवसर होता है, और कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता तो अनेक गुना बढ़ गई है। ये सही है कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक प्रकार की नई नई मुसीबतें पैदा की है, जिन मुसीबतों को न कभी सोचा था, न कल्पना की थी, न कभी कोई सोच सकता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दी है, एक नया संदेश भी दिया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है, और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है, इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। हमारे देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है, और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा, और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। साथियों, इसी सोच के साथ सरकार ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है, वरना 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। ये जो आज इतने बड़े पैमाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, लाखों लोग जुड़े हैं, इसमें इन सारी बातों का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही है उसमें आपने देखा है, एक है ई ग्राम स्वराज और दूसरे ऐप है, और दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुआत। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज, ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। अब अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसा अभी बताया गया, इस पोर्टल पर, इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्य की डिटेल, उससे लेकर के उसके लिए तय किए गए फंड, उस फंड का कहां खर्च हुआ उसकी भी जानकारियां, ये सारी बातें उसमें उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए गांव का कोई भी नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, क्या कामकाज हो रहा है, काम कहां तक पहुंचा है, सारी चीजें अपने मोबाइल पर से जान पाएगा, जानकारी रख पाएगा। इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, रिकॉर्ड रखने का काम भी बहुत सरल हो जाएगा, और प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर कंप्लीशन की प्रक्रिया भी तेज होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, ई ग्राम स्वराज के माध्यम से आप सभी को कितनी बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। साथियों, गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का एक मालिकाना प्रमाण पत्र यानी टाइटल डीड दिया जाएगा। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे।
पहला तो यह कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। इसका एक और बड़ा लाभ ये होगा कि इससे शहरों की ही तरह गांव में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, लोन लेने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं जो जीवन में बहुत काम आ सकती है। साथियों, अभी यानी फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र के 6 राज्यों में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं और जब काम करेंगे तो अनुभव आएगा, उसमें कमियां क्या है वो ध्यान में आएगी, गलतियां क्या है वो ध्यान में आएगी और उसको ठीक करना होगा और जब ठीक हो जाएगी, उसका सुधार हो जाएगा, उसके बाद ये योजना हिंदुस्तान के हर गांव में लागू की जाएगी। साथियों, कभी कभी मुझे लगता है कि जीवन की सच्ची शिक्षा की कसौटी, उसकी परीक्षा संकट के समय ही होती है। अगर आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में है, चारों तरफ से संभले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आप में सामर्थ्य है कि नहीं इसका पता ही नहीं चलता। बहुत देखरेख भरे माहौल में सच्ची शिक्षा का पता कभी नहीं चलता, सच्चे सामर्थ्य का भी पता नहीं चलता। इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग, भले ही उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में शिक्षा न ली हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने, मतलब आप सब ने, अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए हैं। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। मेरे साथियों, ये काम आपने किया है, आपके गांव के प्रत्येक नागरिक ने किया है, माताओं बहनों ने किया है, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने, खेत खलिहान में काम करने वालों ने, फसल कटाई और बुआई में जुटे साथियों ने, देश को प्रेरणा देने वाला अद्भुत काम आपने किया है और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर गांव को, हर गांव वासियों को प्रणाम करता हूं। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है और मैं मानता हूं हमारे देश के हर कोने में आपका दिया हुआ ये मंत्र बहुत काम आएगा। आपने बड़े सिंपल शब्दों में कह दिया, न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। साथियों, इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई,
लेकिन इन दो तीन महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उसे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए नए तरीके खोजते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। साथियों, इन परिस्थितियों में गांवों में जो हो रहा है उसकी मैं अलग अलग स्रोतों से निरंतर जानकारी ले रहा हूं। आज मैं आप में से भी कुछ साथियों को सुनूंगा, बातें करूंगा, कोरोना के दौरान हुए अनुभवों और आपके सुझावों के बारे में मैं जरूर जानना चाहता हूं। पूरा देश आपको सुनना चाहता है, आपके अनुभवों को जानना चाहता है, खास करके शहर के लोग जिनके लिए ये दिन जरा और कठिन लग रहे हैं। गांव वालों ने रास्ता दिखाया है कि इस कठिनाइयों में भी कैसे उमंग और उत्साह के साथ जिया जाता है। आइए हम चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे बताया गया है कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलना है। भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाओ के चेयरमैन है। इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाओ से आपको बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और आज इस अवसर पे जो हमारा पंचायत दिवस है इस पे मुबारकबाद देता हूं सर। सर, हमारा यहां पे जो इस वक्त नारवाओ में इस बार जो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो आपने ऊपर से आदेश दिया है, डायरेक्शंस दी है लॉकडाउन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे 100% हो रही है। उसके लिए हमने तैयारियां पहले से कर रखी थी। जब आपने पहला एक दिन का लॉकडाउन किया था तो उस दिन हमने ब्लॉक लेवल जो हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, हमारा ICDS है और पंचायत से एक हमने एक ऑर्डर निकाल दिया BDC ऑफिस से, तो हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को, आशा वर्कर्स, ICDS वर्कर्स और पंचायत PRIs मेंबर्स, उनकी ट्रेनिंग दिला दी। उनको हमने जो हमारा कोरोना वायरस को रिलेटेड जो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए बारे में उनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद हमने उनको घर घर अपने ब्लॉक में भेजा और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे PRI, जिसमें हमारे मेडिकल और ICDS के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। हमारे एक ब्लॉक में आज तक सिर्फ एक पॉजिटिव केस आया, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी वहां पे पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। रीजन ये था कि हमारे वहां पे पंचायत मेंबर्स नहीं थे और वो केस हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से, हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और PRIs को वहां पे ड्यूटी लगा दी। 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाया कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। हमारे ऊपर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन कैटेगरी के लिए थी कि आपको चाहे किसी हद तक सख्ती करनी पड़े, लेकिन क्वारंटाइन जो लॉकडाउन है उसको ग्राउंड पे सक्सेसफुल करना है। हमारे पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन उन्होंने दी थी कि आपको ये एक्चुअली इन रियल सेंस जो लॉकडाउन सक्सेसफुल करना है वो PRIs को करना है। तो उन्होंने रोस्टर बना के वॉलेंटियर्स के साथ रोड पे रह के लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया। दो संदेश दिए लोगों को, दो नारे दिए, रेस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल पहला नारा था। दूसरा हमारा नारा ये था कि सर स्टे होम स्टे सेफ, और जब लोग इन दो नहरों पे चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्लॉक में
99% सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बातें बताई उसे लगता है कि आप खुद फील्ड में डटे रहते हो, खुद गांव गांव जाते हो, उसी का नतीजा है कि आप इतनी बड़ी आसानी से चीज को समझ पाए हो और आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। मुझे विश्वास है कि दो गज की दूरी इस मंत्र को आप गांव गांव घर घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे, तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। आइए जम्मू कश्मीर के बाद हम सीधे साउथ चलते हैं, कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर से हमारे साथ श्री नवीन कुमार जी जुड़ रहे हैं। देश के प्रधान सेवक आपको वारदसली ग्राम पंचायत के सेवक से नमस्कार। कि आजकल मुझे गांव के प्रधान से भी बात करने का सौभाग्य मिलता है और दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े प्रधानों से भी बात करने का मौका मिल जाता है। थैंक यू। ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ 14 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಮಾರೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಹೀ ಹೈ ಪರ್ 14 ಲೋಗೋಂಕೋ ಹಮ್ನೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮೇ ರಖಾ ಹುವಾ ಹೈ ಇನ್ಕೋ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ ದ್ವಾರ ಭೀ ಪಾನಿ ದೂಧ ಸಬ್ಜಿ ರಾಶನ್ ಆದಿ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಘರ್ ಪೇ ಹೀ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ. ಹೌದು, ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೊಳಗಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಕರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಶಾ ಎಎನ್ಎಂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಔರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಸಾರೇ ಸದಸ್ಯರು ಔರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾ ಏಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚಾ ಗಯಾ ಹೈ ಹರ್ ಹಫ್ತೆ ಮೇ 2 ಬಾರ್ ಬೈಠಕ್ ಬುಲಾಕರ್ कोरोना कैसे रोके और इसके अड़ी क्या क्या कोशिश कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा चलती है. आईसी, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन के काम अच्छे से चल रहे हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2301, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 1480, उज्ज्वल योजना 739, विविध पिंचण योजना 506 सेरिदंते ಒಟ್ಟು 5026 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 4 ಯೋಜನೆ ಜೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ, ಉಜ್ವಲ್ ಯೋಜನೆ ಔರ್ ವಿವಿಧ ತರಹಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ತಹತ್ 5000 ಸೇ ಜ್ಯಾದಾ ಲಾಭಾರ್ಥಿಯೋಂಕೋ ಲಾಭ ಹುವಾ ಹೈ. ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರ ಗಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರು ಓಡಾದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. यहाँ के युवकों को प्रेरित करके ग्राम पुलिस रची हुई है. पंचायत की सीमा में चेक पोस्ट लगा के इस चौकी में ये सब ग्राम पुलिस काम कर रहे हैं. इससे लोगों का अनावश्यक संचार करना रोक डाला हुआ है. इससे कोरोना का एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुँचने को नहीं दे रहे हैं. ग्राम पड़े मूलक वैयक्तिक मत्तु समुदाय स्वच्छता बग्गे अरिवु मूडिसलागिदे. वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में हर जगह में अच्छे से आईसी हुई है और क्लीनलीनेस भी हुई है. पंचायत व्याप्तियल्लिद्द महाराष्ट्र 170 मंदि निराश्रित कूली कार्यकर्तरिगे ऊट वसति मत्तु वैद्यकीय सौलभ्य कल्पिसलागुत्तिदे. लॉकडाउन की वजह से जो महाराष्ट्र से आए हुए 170 से अधिक कार्मिक थे उन्हें हम एक पाठशाला में रखे हुए हैं. इन सभी को भोजन, पानी और मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था की गई है और उन्हें भी कोई ना कोई काम में हम उलझाए रखे हैं. ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಲ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜಿಯೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ಬಾಜಾರ್ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಿ ಗಯಿ ಹೈ. ಇಸ್ಸೆ ಕಿಸಾನೋ ಕೋ ಕೋಯಿ ಆರ್ಥಿಕ
लॉस नहीं हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति और मनोबल को बढ़ाया गया है। ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘರ್ ಘರ್ ಮೇ ಜಿನ್ ಜಿನ್ ಕೋ ಕೋಯಿ ಬಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇ ಉನ್ಹೇ ಘರ್ ಪೇ ಹಿ ಹಮ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸೇ ಲಾಕೆ ದೇ ರಹೇ ಹೇ. ಮನರೇಗಾ ನರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಶುಕುಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ತಹತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆ ಶ್ರಮಿಕೋ ಔರ್ ಕಿಸಾನೋ ಕೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ और जल संरक्षण की कार्यकारी में हम भाग लेने का अवसर कर रहे हैं. इससे ग्राम पंचायत में भी उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है. नवीन जी, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? 8500 सर. यानी बड़ा गांव है. आप कितने साल से सरपंच हैं? फर्स्ट टाइम सर. फर्स्ट टाइम बने हैं, लेकिन आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं और बड़े सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्लानिंग से कर रहे हैं. लेकिन गांव वाले आपकी बात मानते हैं? यस सर, मानते हैं. चलिए, मेरी तरफ से आपको और आपके गांव वासियों को इतना उत्तम काम करने के लिए और सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आर्थिक प्रवृत्ति भी उतनी बढ़िया ढंग से चलाने के लिए, मैं सचमुच में आपके नेतृत्व को, आपकी इस प्रकार के विजन को और गाँव की ताकत कैसी होती है इसका दर्शन कराने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं. आइए हम बिहार चलते हैं. बिहार के जहानाबाद जिले से ग्राम पंचायत धरणिया के प्रधान श्री अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अजय जी नमस्कार. नमस्कार सर जी, मैं अजय सिंह यादव, मुखिया आदर्श पंचायत धरणई बिहार से सर. बिहार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं सर. नमस्कार जी. हाँ बताइए. लॉकडाउन का सर, जी सर, लॉकडाउन का सर 22 तारीख का सर बंदी हुआ, उसके बाद सर 4 दिन सर लगातार अपने स्वयं माइकिंग कर पूरा पंचायत क्षेत्र में सर प्रचार किया सर कि लॉकडाउन का पालन करना है और सामाजिक दूरी बनाना है, कम से कम 6 फीट के दूरी पर कहीं भी. बात आप लोगों को समझाइए, 2 गज की दूरी करिए. अजय जी लोगों को समझाइए, 2 गज की दूरी. हाँ, 2 व्यक्ति की दूरी सर. हाँ. और सर गांव में सर ब्लीचिंग पाउडर छिटवाए सर, घर घर जाकर सर जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता, वार्ड पंच, सरपंच साहब सभी मिलकर हर घर प्रत्येक घर में एक अक्षर साबुन दिए सर और सभी के हाथ धोने के लिए सिखलाए सर. 1 घंटा आधा घंटा पर हमेशा हाथ धोइए और जागरूक रहिए. इन सर होम क्वारंटाइन में सर 18 लोग के रखे सर, उसको भी पंचायत स्तर से जो सुविधाएं देना था सर वो दिए. इन मध्य विद्यालय धरनई में सर 30 बेड का एक होम क्वारंटाइन सेंटर बनाए सर, उसमें भी खाने पीने का सुविधा, एनएम दीदी के ड्यूटी लगाए, चौकीदार का ड्यूटी लगाए सर, एक ग्राम रक्षा दल सर पंचायत पर नियुक्त हमने किए हैं सर 43 सदस्यों को, उसको भी सभी गांवों में सर गांव के शुरुआत में बांस लगाकर घेरे सर कि गांव के व्यक्ति बाहर नहीं जाए, अति आवश्यकता कार्य हो तो वही बाहर जाए, जैसे इमरजेंसी काम के लिए दवा लाने के लिए. और सर स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल टीम हमेशा मेरा पंचायत में आते हैं हफ्ता में 2 बार सर, पंचायत सरकार भवन के पास सर, उसमें भी हम लोग सहयोग किए जनप्रतिनिधि सर, हमेशा सर 3 दिन पर मीटिंग करते हैं सर, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, न्याय पंचायत और पंचायत कर्मी सब सर, और जागरूक करते हैं सर. आपकी पंचायत से भी अनेक प्रवासी साथी दूसरे शहरों से घर लौटे होंगे, जो नहीं आ पाए वो भी आना चाहते होंगे. जी आना चाहते हैं सर, बाकी मैसेज हम लोग किए हैं कि जहां है जहां रहिए, लॉकडाउन पूरा खुलेगा तब आना है भाई, न तो 14 दिन हम स्कूल में रखेंगे तो वो लोग कहता है कि नहीं मुखिया जी हम रहेंगे, अभी बाहर खुलेगा तब आएंगे, 14 दिन नहीं रहेंगे. लेकिन आपकी बात मानते हैं सब लोग? हाँ मानते हैं सर. चलिए आप सब सुरक्षित रहें और जो लोग शहरों में हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनके मन शांत रहे. आप जरूर उनसे फोन पे बातें करते रहिए ताकि शहर में थोड़ा उनको तकलीफ जरा मन को ज्यादा होती है, घर याद आता है, माँ बाप याद आते हैं, बहुत स्वाभाविक भी है. लेकिन ऐसे समय गांव से लोग अगर उनसे बात कर लेते हैं तो उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता है. और आपको काम कर रहे हैं इसलिए मैं बधाई देता हूं.
आइए हम उत्तर प्रदेश बस्ती चलते हैं। बस्ती ग्राम पंचायत नकटी देई की प्रधान बहन वर्षा सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। वर्षा जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अपने ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से आपको नमस्ते करती हूँ और पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बस्ती में लॉकडाउन का पालन ठीक से हो रहा है? मेरे गांव में पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो रहा है और मैंने आशा बहन, आंगनबाड़ी बहन और एनएम बहन के माध्यम से लोगों को घर घर जाके जागरूक करवा रही हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें। आप कितने समय से प्रधान है? सर मैं फर्स्ट टाइम प्रधान ही हूँ, इसके पहले भी मैं प्रधान थी, बीच में सीट बैकवर्ड होने के नाते कोई दूसरा था। अच्छा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो बनाई है, पीएम गरीब कल्याण योजना वगैरह, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब पहुंच रही है सर, तो वहाँ कैसे कर रहे हैं आप लोग? सर हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो 25 लाभार्थी हैं, किसान सम्मान निधि में 155 लाभार्थी हैं और जो रजिस्ट्रेशन जिन श्रमिकों की हुई है उनके अंतर्गत 10 लोग हैं और जनधन योजना के तहत 50 लोग हैं जिनको लाभ दिया गया है। लोगों का अनुभव कैसा है, संतोष किसान सबको? सर बहुत ही संतुष्ट हैं लोग, आपके लॉकडाउन का निर्देशों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं और लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये उन लोगों का सोच है कि हम घर में ही सुरक्षित हैं क्योंकि ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अभी तक सटीक इलाज नहीं है, बस इसकी यही इलाज है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी पे रहें, घर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए कोरोना वायरस बड़ा विचित्र वायरस है लेकिन उसकी एक विशेषता भी है, वो अपने आप किसी के घर नहीं जाता है। नहीं सर, अपने आप कहीं नहीं जाता है। अगर आप उसको बुलाने जाएंगे, अगर आप उसको लेने जाएंगे तो फिर वो आपके साथ घर में घुस जाएगा, फिर वो घर में किसी को छोड़ता नहीं है। और इसलिए 2 गज की दूरी ये मंत्र गूंजते रहना चाहिए। 2 गज की दूरी रख करके ही बात करेंगे, 2 गज की दूरी रख करके ही खड़े रहेंगे, 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखेंगे। जैसे छाता ओढ़ते हैं ना, अगर मैंने एक छाता ओढ़ा और सामने वाले ने एक छाता ओढ़ा है तो 2 गज की दूरी अपने आप हो जाती है। तो ये बनाए रखेंगे तो मैं समझता हूँ इस संकट की घड़ी में मुझे अच्छा लगा कि अच्छा आपके यहाँ गांव के लोगों को, क्योंकि पहले तो ऐसा कहते थे कि भाई दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा ही पहुँचता है, आजकल 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे उसके बैंक के खाते में जमा हो जाते हैं, तो गांव वालों को कैसा लगता है जब पूरे पैसे मिल रहे हैं? तो गांव वाले बहुत संतुष्ट हैं सर मेरे यहाँ। क्या बोलते आपके से? बोलते हैं जब से ये सरकार आई है तब से सारे लाभ सबको पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल पा रहे हैं। चलिए वर्षा जी आप बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ बताइए, कुछ कह रही थी आप? सर गांव में ये चर्चा हो रही है कि इस संकट की घड़ी में कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, आप जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो इस देश का क्या होता? सर सोशल मीडिया पे ये हर जगह यही चर्चा हो रही है, हम लोग अपने बीच में भी यही चर्चा करते हैं। बस 2 गज की दूरी है, ये हम सबको बचाएगी 2 गज की दूरी। खैर मुझे अच्छा लगा, गांव के वालों को संतोष है क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जब विश्वास होता है तो कितने ही बड़े संकटों को हम पार कर लेते हैं। और इस बार जो हम लड़ाई जीत कर रहे हैं उसका मूल कारण विश्वास है, सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। खुद पर भी विश्वास है, व्यवस्थाओं पर भी विश्वास है और संकल्प है कि हमें संकट से निकलना है। आइए पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब पठानकोट की ग्राम पंचायत हाड़ा की सरपंच बहन पल्लवी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको मेरी तरफ से
और मेरे पूरे पंजाब की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हाड़ा से, जो कि एक बैकवर्ड एरिया है और एक सर बॉर्डर का एरिया है। तो सर, जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके चलते हुए हमारे गांव में हमारे गांव वासी और हमारे गांव के युवाओं का जो सबसे बड़ा सहयोग है, जो कि आपके द्वारा दिए गए संदेश का पालन कर रहे हैं, घर पे रहिए, तो सर इसके लिए हमने अपने गांव में बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। अपने गांव के दोनों प्रवेश द्वारों पर नाके लगाए हुए हैं, जिसमें मैं खुद भी जाती हूँ और मेरे गांव के जितने भी मेरे पंच हैं और जो उनमें उनके साथ हमारे युवा हैं, वो सब वहां पे पहरा दे रहे हैं, ताकि ना कोई गाँव से बाहर जा सके बिना काम से और ना ही कोई गाँव के अंदर आ सके। और इसके बाद जो हमने घर घर जाके लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी है, वैसे तो सर जो 22 को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उसी दिन जो 31 तक जो लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था, काफी लोग हैं जो उसी टाइम इस चीज की पालना कर रहे थे कि लॉकडाउन है तो अपने अपने घर पे रहिए। और हमारे द्वारा, मेरी पूरी पंचायत के द्वारा जो है, लोगों को समझाया गया है अपने घर पर रहिए और अपने अपने घर में भी अगर आप बैठते हैं, दूरी बना के बैठिए, टाइम टू टाइम अपने हाथ धोइए और हाथ मुंह आंखें जो है इनको बार बार आप छुए ना। तो सर, जैसे कि अभी हमारे पंजाब में अभी फसलों की कटान का सीजन चल रहा है, तो सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता जो है इस चीज पे देखनी है। जैसे कि अभी कटान चल रही है, तो पंजाब सरकार की तरफ से जो है कुछ विशेष नियम जो है पालन, उनको मतलब बताया गया है लोगों को कि आपको ये नियम जो है इनकी पालना करनी है। जैसे कि कटान के समय में आपको 2-2 मीटर की दूरी पे बैठना है, अगर आप जब कटान करते हैं, और बार बार हाथ धोने हैं उसमें भी सर उसके कुछ विशेष और भी प्रबंध किए गए हैं। जैसे कि फसलें आती हैं उनको मंडी में कैसे ले जाना है, सर ये सारे प्रबंध जो हैं, जैसे 4 और 5 गांव की मिला के एक मंडी बनाई गई है, जहां पे क्या होगा, हम जो किसान हैं वो पहले होलोग्राम पर्ची लेंगे, उसके बाद ही वो मंडी में जा सकते हैं। अगर उनको होलोग्राम पर्ची उनके पास होगी तभी वो मंडी में जाएंगे। और उनको ये भी हमने बताया है कि आपको जो है ट्रैक्टर पे सिर्फ जो है 50 क्विंटल कनक जो एक बार मंडी में आप ले जा सकते हैं, और ट्रैक्टर पे सिर्फ एक ड्राइवर और उनके साथ एक सहयोगी होगा, वो भी आपस में जो है सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखे। पल्लवी जी, आपने इतना बढ़िया ढंग से बता दिया, मैं सबसे पहले तो आपको अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने बढ़िया तरीके से इन सारे संकट में समय अपने गांव को संभाला है, और गांव वाले आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सही है। किसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है, और निस्वार्थ भावना से पूरे देश का पेट पालता है। ये किसान और पशुपालक साथी ही हैं जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के कारण देश को जरूरी अनाज, सब्जी, दूध, फल, इसकी कमी नहीं होने दी है। मैं उनके इस हौसले की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हां, तारीफ के साथ ही मेरी आप सभी से एक प्रार्थना भी है, क्या पंजाब हो, हरियाणा हो, देश का किसान, और पल्लवी जी मुझे लगता है कि पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, जैसे ड्रग्स के खिलाफ मैंने देखा है कि पठानकोट और गुरदासपुर की बहनें, जब मैं वहाँ संगठन का काम करता था तो मेरा कई गांव की माताओं बहनों से संपर्क रहता था, वो हमेशा मुझे कहती थी कि हमारे नौजवानों को ये ड्रग्स वगैरह से बचाइए, बहुत चिंता करती थी। जैसे वो एक काम है, वैसे हमारी इस धरती माता को बचाना हमारे किसानों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, हमारे देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें, यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं, यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया, तो अब 5 थैली आएगा,
पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पलवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगी और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। नमस्कार, महाराष्ट्र के पुणे की मेदन करवाड़ी ग्राम पंचायत की प्रधान बहन प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए प्रियंका जी। हमने कोरोना का जब से आपने 25 तारीख को लॉकडाउन किया उसके बाद 26 तारीख को ही हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड की से पूरा गांव सैनिटाइज किया। उसके बाद हमने सैनिटाइजर टनल दो जगहों पे जहां पे ज्यादा आवाजाही लोगों की रहती है वहां पे सैनिटाइजर टनल बिठाए। उसके बाद हमने जो सैनिटाइजर हर कोई महिला और हर कोई घर में नहीं जा सकता तो इसीलिए हमने साबुन हर घर में साबुन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद जो हमारे गांव के अंदर जो महिलाओं ने स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया था सिलाई का, उन महिलाओं को हमने मास्क बनाने का काम दिया। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है 5 उनको हमने इस प्रकार के मास्क बनाने का काम दिया जो उन्होंने 5000 मास्क इस टाइप के बनाए हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हम पूरे गांव में कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे एरिया आता है जो सेमी अर्बन एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, चाकन के पास है, तो हमने जो रात को मॉर्निंग और इवनिंग आवर को लोग आते हैं इसके लिए हमने रात एक टाइम निर्धारित किया। उसके बीच में हमने स्ट्रीट लाइट बंद रखी तो उसका हमें बहुत फायदा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए वो एक असरदार उपाय साबित हुआ। इसके साथ ही हमने जो दुकान है उसके सामने एक सर्कल की मार्किंग की जिसकी वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग रखने में कामयाब हुए। इसके साथ ही जो किराना राशन की दुकान है और सब्जी के हाथ है उसके लिए हमने अल्टरनेट डेज पे बिक्री का चालू किया कि 3 दिन राशन की दुकान खुले रहेगी और 3 दिन सब्जी के दुकान खुले रहेंगे जिससे लोगों की आवाजाही सीमित करने में हमें बहुत ज्यादा मदद हुई। इसके बाद ही जो हाउसिंग सोसाइटीज है और जो किसान है उनके बीच कोऑर्डिनेशन करके एपीएमसी के द्वारा हमने वॉलंटियर लगा के वो सब्जी वो अनाज लोगों के हाउसिंग सोसाइटीज में पहुंचाने का काम किया, उसकी बिक्री की। इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। इसके साथ ही हमने महिला सुरक्षा के लिए और महिला के स्वास्थ्य के लिए हमारे गांव में 7000 सैनिटरी नैपकिन का आशा वर्कर के थ्रू सैनिटरी नैपकिन पूरे गांव में बांटे। हर एक महिला को हर एक युवती को किशोर वयस्क युवती को हमने सैनिटरी नैपकिन दिए। इसके साथ ही हमने होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी भी स्टार्ट की कि अगर कुछ हमारे यहाँ पे संदिग्ध पाए जाते हैं तो होम क्वारंटाइन के लिए हमें जो भी सुविधा हम दे सकते हैं उसके लिए हमने होम क्वारंटाइन की सुविधा भी चालू की। इससे हमें बहुत अच्छा फायदा हुआ और दूसरी बार हमने फिर से गांव सैनिटाइज किया। अभी जो लॉकडाउन बढ़ा था उसके साथ ही हमने फिर से गांव सैनिटाइज किया तो इन सब उपायों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने में हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। प्रियंका जी अब तो गांव वाले थक गए होंगे, लोगों को गुस्सा आता होगा ये मोदी जी कैसे हैं, इतने दिनों से बंद करके रखा हुआ है। लोगों को घर में रहने की आदत नहीं है इसलिए गांव वाले थक गए हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो लोग समझते हैं। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है प्रियंका जी? 2011 के हिसाब से मेरी गाँव की लोक संख्या है 12,576, लेकिन इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण यहाँ पर प्रांत और राज्यों से लगभग 50,000 लोग रहने को है, यहाँ पे रहते हैं। तो आपका तो एक प्रकार से बड़ा शहर हो गया है। वो शहर, हाँ शहर टाइप ही हो गया है सर। पुणे से कितना दूर है आपका? सर मैं पुणे से सर 30 किलोमीटर की दूरी पे है चाकन में। अच्छा, अच्छा। चाकन के पास ही 1-2 किलोमीटर में। अच्छा। इंडस्ट्रियल बेल्ट में। देखिए एक तो आपके यहाँ इस पुणे बेल्ट में और महाराष्ट्र में भी एफपीओ का अच्छा काम हुआ है और मैं समझता हूँ कि एफपीओ के काम को फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का काम जिसको भारत सरकार काफ़ी मदद कर रही है,
ये जितना बल मिलेगा आपके गांव के किसानों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से इनाम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है और किसान को अब भरोसा होने लगा है। और आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो मैं पक्का मानता हूँ कि इस आधुनिक व्यवस्थाओं को आप अपने गांव में ला सकते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, मैं चाहता हूँ कि जेम पोर्टल पर आपके गांव में जो महिला बचत गट है और छोटे छोटे उद्यमी हैं जो चीज़ें बनाती हैं वो सीधी भारत सरकार को बेच सकती है। कोई टेंडर वेंडर का चक्कर नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा वो जेम पोर्टल पर करें तो आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो एक अच्छी टोली बना करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके गांव की बहनों को वो जो उत्पादन करते हैं उनको मार्केट मिले, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हाँ कुछ कह रही थी प्रियंका जी आप। इनाम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है और किसानों के लिए हमने जो ग्राम पंचायत के ऑपरेटर है वो उनके हेल्प के लिए रहते हैं और उनके कोऑर्डिनेशन द्वारा हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सर आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी, जिस तरह आप पूरे देश पूरे दुनिया को राह दिखा रहे हैं कि कोरोना के मामले कोरोना का संकट का कैसे सामना किया जाए, तो मैं कुछ पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगी। जरूर बताइए। कोशिश जारी है और हिम्मत बरकरार है। सिर पर है इस दुनिया पर छाने का फितूर। मुझे किस्मत पर भरोसा नहीं, मुझे मेहनत पर भरोसा है। एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर। वाह, चलिए आपके शब्दों में विश्वास है, वो देश की भावना का प्रतिबिंब है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आइए हम पूरब की तरफ चलते हैं, आसाम की तरफ चलते हैं। असम के कचर जिले के ग्राम पंचायत छोटा दूध पाटिल, यहाँ के प्रधान श्रीमान रंजीत सरकार जी हमारे साथ है। रंजीत जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले मैं लॉकडाउन घोषित करने के आपके असम राज्य से सबके साथ में आपका पास मेरा। लेकिन इस बार थोड़े आसाम के लोग नाराज हो गए होंगे क्योंकि बिहू इतना बढ़िया आनंद उत्सव और मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, हमारा बिहू बिगाड़ दिया। सर लॉकडाउन आप जो काम किया है सर वो अच्छा काम किया, ये देश को रक्षा करने के लिए काम किया है सर। लेकिन ये मरा जो राज्य का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भलाई करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में आया है सर। मेरा विधायक किशोरनाथ जी मेरा ब्लॉक में आया और गांव में आया, तो हमारा जो गांव पंचायत बॉडी है ना सर, और बॉडी का जितना 10 सदस्य और अंगनवाड़ी सदस्य आशा कर्मी लेके हम लोग सब मिलके एक बैठक किया है। और बैठक में डिपार्टमेंट को सामने में एक डिपार्टमेंट मॉडल हॉस्पिटल है सर, हॉस्पिटल के साथ जो डॉक्टर है ना उसके साथ बातचीत किया। हमारे जीपी में जितना बुढ़े आदमी और बच्चा लोग सहारा करना पड़ेगा और फिर हर घर जाके सबको बुलाया, लॉकडाउन मानना पड़ेगा और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, सामान से 10-15 मिनट बाद को हाथ धोना पड़ेगा और सब स्वच्छता रहना पड़ेगा। तो इसके लिए सर आपका पहले धन्यवाद लॉकडाउन का, आपका जो देश के लिए भलाई के लिए अब जो काम किया है सर वो आपको असम तरफ से सर आपको शुक्रिया सर। तो हमारे जो MLA सर ब्लॉक के लिए बहुत काम किया है और गांव में जाके रिलीफ दिया है सर। हमारा तनख्वाह 4 महीने का तनख्वाह 86,000 रुपया मिल के मेरा गांव का हर गरीबी को
रिलीफ दे दिया सर। हमारा वीडियो जो वीडियो है ना हमारा ब्लॉक में वो मुझे को मदद किया, मेरा सचिव और जो सेक्रेटरी वो मुझे को मदद किया, और गांव में कोई आदमी नाराज नहीं है सर। फैमिली कार्ड, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड जो डेसोल के साथ जो 5 kg चावल मिला है सर रिलीफ में, और मेडिसिन मिला है, मेडिसिन हमारा मॉडल हॉस्पिटल्स का हॉस्पिटल में मिला है सर। वो हॉस्पिटल में जितना बुरा लोग आके जो पूर्ण सहकार्य सर, जितना ये सुंदर स्वच्छता से रहना पड़ेगा, इसलिए सर जी आपने बहुत उत्तम तरीके से बात बताई, मैं आपको बधाई देता हूँ और सभी आसाम वासियों को भी मेरी तरफ से बधाई, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर। साथियों, आपके साथ ये जो सार्थक बातचीत से न सिर्फ मुझे लेकिन देश के जो भी नागरिक आज आपको सुन रहे हैं सभी देशवासियों को संतोष हुआ होगा, उनके अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ होगा कि दूर सुदूर गांव में हमारे लोगों ने कैसे देश को संभाला हुआ है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं। और शायद समय ज्यादा होता और मैं सबको सुन पाता, कितना आनंद आता, कितनी नई नई चीजें मिलती। लेकिन मैं जब लाखों की तादाद में पंच सरपंच मेरे सामने हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं, भले ही मैं आप सबको सुन नहीं पाया हूं, लेकिन जिन कुछ अपने प्रधानों ने अपने अनुभव बताए उसमें एक प्रकार से आपकी भावनाएं प्रकट हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई ऐसे विशेष प्रयास किए हो, प्रयोग किए हो, अपने गांव को बचाया हो, अगर मुझे लिख करके भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी इस मुश्किल परिस्थिति में भी गांवों में जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने में नेतृत्व कर रहे हैं, जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते आए हैं, महात्मा गांधी एक बात बार बार करते थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि मेरे स्वराज की कल्पना का आधार ग्राम स्वराज ही है, इसलिए ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की एकजुट शक्ति का केंद्र है, हमारी लोकतांत्रिक एकजुटता का यही सबसे बड़ा का ताकतवर केंद्र है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है संगमूलम महाबलम, अर्थात बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र संगठन या एकजुटता में ही होता है। और इसलिए आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की शुरुआत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांव की सामूहिक शक्ति से ही होगी, आप सबकी एकजुटता से ही संभव होगी। इन प्रयासों के बीच हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है, इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। गांव में सैनिटाइजेशन अभियान हो, शहर से आने वाले लोगों के लिए इतने कम समय में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम हो, हर एक व्यक्ति के खान पान और जरूरत की चिंता हो, या फिर आम लोगों को जागरूक करने का काम हो, ये काम
हमें निरंतर बिना रुके बिना थके करते ही रहना है। और जैसे इकबाल जी ने अभी बताया, जम्मू कश्मीर के अपने साथी ने, रिस्पेक्ट भी करो और सस्पेक्ट भी करो। मैं समझता हूं गांव में बुजुर्ग, दिव्यांग या फिर बीमार लोगों की सबसे पहली पहुंच, उसको कुछ भी कठिनाई होगी तो पहले आपके पास आएगा। इसलिए सबसे पहला समाधान भी गांव के पंच और गांव के प्रधान के पास ही होना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, दो गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, दो गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। हमें बचाव और स्वच्छता पर ज्यादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और हमारे बारिश के दिन आने की शुरुआत होने वाली है। इस बार कोरोना बीमारी ने इस खतरे के लिए और अधिक चिंता का कारण बना दिया है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहते हुए अपने गांव को बचाना है। साथियों, हमारा अतीत का अनुभव बताता है कि बीमारियां और उनके इलाज के बारे में गलत जानकारियों की वजह से हमें बीमारियों को रोकने में काफी दिक्कत आती है, काफी समय चला जाता है। इस बार हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें हर प्रकार की गलतफहमी से लोगों को बाहर निकालना है। हर परिवार तक सही जानकारी, चाहे वो बचाव को लेकर हो या फिर इसके इलाज के लिए, ये जानकारी पहुंचानी चाहिए। इसके लिए आप छोटी छोटी टोलियां बनाकर, और मैंने सुना कई सरपंचों ने कहा उन्होंने गांव में छोटे 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 टोलियां बना दी, अलग अलग काम के लिए लोगों को संगठित कर दिया है। टोलियां बनाकर जागरूकता के अभियान को तेज कर सकते हैं। आशा है, एएनएम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उसकी बहनें हैं, युवा मंडल है, पूर्व सैनिक हैं, दूसरे संगठनों से भी कई लोग आए हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये संगठन भी हैं। हर किसी की मदद लेनी चाहिए, हर किसी को जोड़ना चाहिए। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, खान पान को लेकर भी कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे भी तमाम अफवाहें उड़ती हैं, जिससे हमें सतर्क रहना है। हम जो भी खाएं वो खूब धोकर और खूब पकाकर खाएं, इस बात को हमें गांव गांव में बताना है। और हां, गांव में कई अच्छी परंपराएं भी होती हैं जिनको हमें प्रोत्साहित करना है। जैसे हमारे यहां आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की परंपरा है, अनेक प्रकार के मसालों का उपयोग हम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नियमित रूप से योग प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ ही होगा। ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है, सक्षम बना देता है। आयुष मंत्रालय की तरफ से इससे जुड़ी कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है, और मैं चाहूंगा सारे प्रधान आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं, उसमें सारी चीजें हैं, अपने गांव में उसका उपयोग करें। एक और बात जिस पर आप सभी को बहुत ध्यान देना है वो है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप।
मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को बॉडीगार्ड कहा है। ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। मैं देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने गांव के प्रत्येक सदस्य के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाएं। ये एक प्रकार से हमारी सुरक्षा का सेतु है। साथियों, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों और बहनों का स्वास्थ्य हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहा है। आपकी एक एक आवश्यकता को समझते हुए सरकार लगातार काम कर रही है। पहले टीकाकरण को लेकर इतनी दिक्कतें होती थी, हमारी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई बल्कि दूर दराज वाले क्षेत्रों में भी टीकाकरण अभियान को लेकर के गए। पहले गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों में कुपोषण की बहुत ज्यादा समस्या थी। हमने पीएम मातृवंदना योजना के माध्यम से सीधे महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए ताकि कुपोषण के खिलाफ लड़ने में उसको मदद मिल जाए। पहले शौचालयों की क्या स्थिति थी ये भी आपको पता है। शौचालय न होने से कितनी बीमारियां फैलती थी ये भी आपको पता है। हम बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं कि गांव के गरीब से गरीब को उत्तम स्वास्थ्य सेवा मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना भी गांव के गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर उभरी है। इसके तहत अब तक करीब करीब 1 करोड़ गरीब मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल चुका है। इस योजना ने ग्रामीण इलाकों में जहां अस्पतालों की कमी है वहां अस्पतालों के निर्माण में भी मदद की है। सरकार द्वारा भी देश भर के गांवों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन सेंटर्स में अनेक गंभीर बीमारियों के टेस्ट की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पहले से किया जा रहे इन प्रयासों ने हमारे गांवों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी सामूहिक कोशिशों से, अपनी एकजुटता से, अपनी संकल्प शक्ति से कोरोना को जरूर परास्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी साथियों को पंचायत राज की इस महत्वपूर्ण पंचायत राज दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आपके, आपके परिवारजनों के, आपके गांव के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और फिर से एक बार आपने समय निकाला, आपके अपनी बहुत सारी बातें मुझे बताई, बहुत कुछ नई जानकारियां मिली, आपके आत्मविश्वास को मैंने अनुभव किया। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।